पूर्व सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को अपने काफिले के साथ अचानक छपरा के अमनौर सामुदायिक केंद्र पहुंच गए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के आवास पर खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस को देखकर पप्पू यादव भड़क गए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इतने एम्बुलेंस सांसद के आवास पर क्यों खड़े हैं? कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानते हैं कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। वहीं राजीव प्रताप रूड़ी ने पप्पू यादव को जवाब दिया और कहा कि अगर पप्पू यादव ड्राइवर का इंतजाम कर सकते हैं तो सभी एम्बुलेंस यहां से ले जाएं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के आरोपों पर रूड़ी ने एक चिट्ठी भी जारी की जो उन्होंने जिलाधिकारी को 6 मई को लिखा था। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के बाद अब बारी एक बार फिर पप्पू यादव की थी। पप्पू ने ड्राइवरों की फौज खड़ी कर दी और कहा कि लीजिए रूड़ी जी, ड्राइवर सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहां सौंपने वाले हैं बताएं। और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर है, अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। दरअसल पप्पू यादव को सांसद कोष से पंचायत एम्बुलेंस सेवा योजना के तहत खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र परिसर में रखे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहां पप्पू यादव दलबल के साथ पहुंच गए और वहां मौजूद एमपी लैड से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस को जनता को समर्पित नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि यह सामुदायिक केंद्र छपड़ा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के गाँव में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।